من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. आज 5 सफर 1445 हिजरी मुआफ़ 23 अगस्त 2023 ईस्वी दिन चारशंबा बाद नमाज असर जामा मस्जिद आलिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनाक़िद की जा रही है। महफिल इक़बाल शनासी का 1132वां लेक्चर है। आज उनवान है अल्लामा इक़बाल और प्रोफेसर साबिर कलोरवी। मुखातिब करेंगे आली जनाब डॉक्टर रऊफ़ खैर साहब। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ डॉक्टर रऊफ़ खैर साहब से, वो डायस पर आए हैं और हमें मुखातिब करें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम। रब्बि शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, आज का उन्वान है अल्लामा इक़बाल और साबिर कलोरवी। साबिर कलोरवी का हल्का सा तारुफ़ पहले मैं पेश करता हूँ, उसके बाद अल्लामा इक़बाल और साबिर कलोरवी के क्या रवाबित और क्या ताल्लुक़ है वो मैं पेश करूँगा। साबिर कलोरवी पाकिस्तान के माहिरीन इक़बालियात में शुमार होते हैं। मैं समझता हूँ चार पाँच महीने पहले मैंने एक लेक्चर दिया था अल्लामा इक़बाल और अय्यूब साबिर। तो अय्यूब साबिर जो थे ये साबिर कलोरवी के उस्ताद थे। साबिर कलोरवी बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है, इनकी किताबें हवाले के काम आती। इन्होंने अल्लामा इक़बाल पर पीएचडी की और वो सदर शोबे उर्दू पेशावर यूनिवर्सिटी रहे। पाकिस्तान में पेशावर यूनिवर्सिटी में सदर शोबे उर्दू थे साबिर कलोरवी। उन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दिए, लेकिन अल्लामा उनका सबसे बड़ा कारनामा आगे आएगा। पहले तमहीदन मैं पेश करता हूँ कि इकबाल का मुतदावल कलाम जो किताबों में मौजूद है, जो बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम, अरमोगाने हिजाज वगैरह में जो कुछ मुतदावल कलाम अल्लामा इक़बाल ने जो तरतीब दिया, अल्लामा इक़बाल के ईमा से जो मुरतब हुआ वो तो किताबों में मौजूद है। लेकिन इक़बाल ने बाज़ नज़में, गज़लें मुकम्मल तौर पर, कुछ क़तात वगैरह मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर रद्द कर दी थी इक़बाल। ज़ाहिर है कोई भी बड़ा फ़नकार शायर अपना कलाम मांझते रहता है, मिसरों को तब्दील करता रहता है, बेहतर से बेहतर पेश करने की कोशिश में मिसरे बदलता रहता है ताकि उसकी बात बेहतर से बेहतर अंदाज में पहुंच सके। इक़बाल ने भी यही किया। तो बड़े आदमी का जैसे इक़बाल है, इक़बाल से पहले गालिब ने अपना कलाम बहुत इंतखाब करके शाये किया था। लेकिन बाद में लोगों ने क्या किया, जो गालिब ने बहुत सारा अपना कलाम रद्द कर दिया था उसको भी जमा करके फिर एक बाज़ाब्ता एक कुलियात गालिब शाये की और उसमें गालिब का जो रद्द करदा कलाम था वो भी शामिल किया। क्योंकि गालिब बहरहाल बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने जो भी
रद्द किया, किसी वजह से रद्द किया होगा, मगर उसको जमा करना इन लोगों ने अपना एक एजाज समझा, एक उसको तरतीब दिया। ऐसे उनके कई नुस्खे निकले। एक तो गालिब की ज़िंदगी में छपा था 1843 में, निज़ामी से, निज़ामी प्रेस से शाये हुआ था। उसके बाद भी कई नुस्खे आए। तो अल्लामा इकबाल की ऐसी ही रद्द करदा तख्लीक़ात को प्रोफेसर साबिर कलोरवी ने जमा किया, बड़े अरखरेज़ी से जमा किया, और उसका नाम रखा बाक़ियात शेर इकबाल तहक़ीक़ी व तनक़ीदी मुतालिया। ये उनका तो इस उनवान से उन्होंने एक बाज़ाब्ता एक जामे मकाला ही लिखा, जिस पर उनको पीएचडी की डिग्री मिली। बड़ी तहक़ीक से उन्होंने अल्लामा इकबाल के बाक़ियात शेर इकबाल, बाक़िया यानी जो मुतलावल कलाम है उसके अलावा जो कुछ बहुत सारा कलाम इकबाल का ऐसा मिला उनको, तो उसको बाक़ियात शेर इकबाल के नाम से उन्होंने तरतीब दिया। उस पर उनको पीएचडी मिली। अब ये हर जिंदा फ़नकार का यही आलम होता है कि वो अपने, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो अब नज़्म हो या नसर, नसर लिखने वाले भी फ़िक्रे उसमें तब्दील करते रहते। मुशफ़िक़ ख्वाजा, पाकिस्तान के मुशफ़िक़ ख्वाजा तो ये कहते थे कि भले ही दोस्त ज़ाय हो जाए, अच्छा फ़िक्रा ज़ाय नहीं होना चाहिए। नसर लिखते थे ना, बड़ी बेहतरीन नसर लिखते थे। आप मुशफ़िक़ ख्वाजा को पढ़िए, अरे किसी के बारे में लिखते हैं तो हक अदा कर देते हैं। आज जिस पर लिखते हैं वो भी मज़ा लेता है, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि हम पर लिखा जाए तो बेहतर है। तो मुशफ़िक़ ख्वाजा की बड़ी शख्सियत है, और वो तो हर नसर लिखने वाला, शायरी करने वाला ये करता ही रहता है। क्यों कि अब हम एक शेर, हमारा मतला है कहे कि शेर कहना अगर आ जाए तो मिसरा कहना, मिसरा कहना बहुत मुश्किल है, शायर शेर कह लेना आसान है, काफिया रदीफ जमा के शेर कह लेना आसान है, लेकिन मिसरा किसको बोलते हैं? मिसरा, मिसरा बहुत ही बड़े शऊर के साथ, बहुत मेहनत के साथ जो कहा जाता है वो मिसरा है। तो बहुत कम लोगों को मिसरा कहना आता है। शेर तो हर गली का शायर जो काफिया रदीफ से वाकिफ़ होता कह लेता है। मेरा ये मैं अक्सर कहते रहता हूँ कि शेर कहना अगर आ जाए तो मिसरा कहना, आते आते तुम्हें आ जाएगा मतला कहना, आते आते तुम्हें आ जाएगा मतला कहना। तो ये हर शायर करता है। तो अल्लामा इकबाल के मुसव्वदों की, अब ज़ाहिर पीएचडी कर रहे थे तो वो लाहौर, जो इकबाल का मस्कन है लाहौर, सियालकोट वगैरह से उन्होंने बहुत सारे मुसव्वदे मुसव्वदों की जांच पड़ताल की, तो उसमें साबिर कलोरवी को कुछ ऐसे अशार, ऐसे क़तात और ऐसी नज़में गज़लें मिलीं जो इकबाल ने रद्द कर दी थी, तो उन्होंने वो सब जमा कर दी। और ये इंकशाफ भी हुआ, साबिर कलोरवी साहब की तहक़ीक़ में ये इंकशाफ भी मंज़रे आम पर आया, उनकी नज़र में आया कि इकबाल ने एक्स शायर के नाम से, एक्स कहते हैं ना ला, उर्दू में ला कहते हैं, एक्स शायर के नाम से भी कुछ फ़र्ज़ी नज़में, फ़र्ज़ी नाम से, एक्स फ़र्ज़ी नाम से कुछ 12 नज़में इकबाल ने ऐसी कहीं जो उनके मजमूए में शामिल नहीं है, किसी मजमूए में शामिल नहीं। तो ऐसी 12 नज़में भी उन्होंने ढूंढ निकाली और वो अपने मकाला जो पीएचडी का मकाला है उसमें शामिल की, 12 नज़में जो एक्स शायर के नाम से इकबाल ने लिखी थी। तो ये अच्छा देखिए, अल्लामा इकबाल वो 1924 में सबसे पहले बांगे दरा शायर हुआ। उससे पहले 1924 ये बांगे दरा की इशात से कुछ पहले, कुछ महीने पहले हमारे यहाँ हैदराबाद से मौलवी अब्दुल रज़ाक साहब ने अल्लामा इकबाल का एक मजमूआ तरतीब दिया था, जो 220 सफ़ात पर मुश्तमल था, और कुलियात इकबाल के नाम से उन्हें तरतीब दिया। तो उन्होंने क्या किया, इकबाल से अकीदत थी,
उन्होंने ये किया कि इकबाल की नज़में जहाँ तहाँ मिली उनको, जैसे मख़्ज़न में है, ज़माना में है, नारंग और दीगर जितने भी रसायल और अखबारात तक उनकी रसाई हुई, वहाँ से उन्होंने वो सारी नज़में गज़लें निकाली और तरतीब दिया कुल्लियात इकबाल और शाय कर दिया 220 सफ़ात का, जिस पर 136 सफ़े का उन्होंने पेश लफ्ज़ भी लिखा था। ये 1924 के बाद है। इकबाल को मालूम हुआ तो इकबाल को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि भाई मेरी नज़र सानी के बग़ैर और मेरे मंशा के ख़िलाफ़ ये आपने तरतीब अपने तौर पे दे लिया, ये मुझे पसंद नहीं आई बात। तो मौलवी अब्दुर्रज़ाक़ साहब ने जितने नुस्खे बिक गए थे, फ़रोख्त हो गए थे, वो तो बिक गए थे, बाकी जितने नुस्खे रह गए थे वो सब इकबाल की नज़र कर दिए, इकबाल को हवाले कर दिए। और यहाँ तक भी आया है कि कुछ पैसा भी उन्होंने दिया, वो नुकसान जो कुछ किताबें बिकी थी उसका पैसा भी इकबाल को दे दिया गया। और इकबाल ने कहा कि भाई ये जो कुछ भी है अब इसको ये रख दीजिए, मैं खुद तरतीब दे रहा हूँ। और इकबाल ने बाज़ाब्ता जर्मनी से एक मशीन मंगाई थी वो किताबत वगैरह की, उससे किताब शाय करने के लिए बहुत अहतमाम किया था इकबाल ने। और वो अब मैं जैसा कि अर्ज़ कर रहा हूँ, भाई मिसरे कतार गज़लें उन नज़र सानी के बाद कुछ और उसमें बेहतर इजाफा करके इकबाल शाय करना चाहते थे, चुनाचे बांगे दरा उसकी बिल्कुल बेहतर सूरत में शाय हुआ। तो अब्दुर्रज़ाक़ साहब का कारनामा उनको पसंद नहीं आया। इसी तरह उससे कुछ साल, एक साल पहले 1923 में मौलवी अहमद दीन ने भी एक ऐसी ही एक इकबाल के नाम से एक किताब तरतीब दी थी। वो अकीदतमंद, इकबाल के अकीदतमंद हैदराबाद में तो बहुत रहे हैं ना, शुरू से रहे हैं और कई लोग रहे हैं इकबाल की ज़िंदगी में भी उनको चाहने वाले, इकबाल के मरने के बाद भी कई चाहने वाले आज भी हैं। इकबाल की निशी ये जो इकबाल शनासी की महफिल चल रही है इकबाल के चाहने वालों ही की तो है। तो बहादुर यार जंग का नाम कितने इकबाल के चाहने वालों में सबसे सरफहरिस्त, हैदराबाद के सरफहरिस्त नाम है बहादुर यार जंग। बहरहाल तो 1923 में भी एक मजमूआ शाय हुआ था, अहमद दीन साहब ने शाय किया था, तो वो इकबाल को वो भी पसंद नहीं आई बात। तो उन्होंने इकबाल की अकीदत में वो सारा जो मजमूआ शाय किया था सारी की जिल्दें नज़र आतिश कर दी, जला दी। ताहम चंद नुस्खे तो निकल चुके थे शाय होने के बाद, ज़ाहिर किताब कहीं ना कहीं दोस्त अहबाब की नज़र हो जाती करती, तो वो मगर जितनी नुस्खे सारे नुस्खे जला दिए। अलबत्ता एक नुस्खा किसी तरह मुशफिक ख्वाजा पाकिस्तान के जो बहुत बड़े मुहक्किक नकाद हैं उनके हाथ लगा, तो उन्होंने 1979 में उसको 1979 में उसको दोबारा शाये किया, क्योंकि आखिर क्या है वो उस मजमू में और मुतदावल और गैर मुतदावल में क्या फ़र्क है ये देखने के लिए, ज़ाहिर अकीदत का एक इजहार ये भी तो है। तो वो नुस्खा उन्होंने 1979 में मुशफिक ख्वाजा ने शाये किया अहमद दीन का, जिसको नज़र आतिश कर दिया गया था, एक आध बच गया था। बहरहाल मैं ये तफसीलात इस वक्त बयान कर रहा हूँ कि इकबाल के अकीदतमंदों ने अपने तौर पे कुछ काम किए थे जो इकबाल की शायरी को तरतीब देने में, उनको शाये करने में। अज़ीज़ अहमद ने भी इकबाल की चंद नज़में, जैसा कि मैंने कहा एक शायर के नाम से 12 नज़में, तो अज़ीज़ अहमद ने भी कुछ नज़में ऐसी इकबाल की ढूंढ निकाली थी अपनी किताब इकबाल नई तश्कील, जो उनकी किताब है उसमें उन्होंने उसका जिक्र किया। 1947 में लिखी गई है, इकबाल के वफात के 9 साल के बाद 1947 में इकबाल नई तश्कील अज़ीज़ अहमद, अज़ीज़ अहमद हमारे प्रोफेसर हैदराबाद के जो प्रिंसेस दुर्रशहवार के सेक्रेटरी रहे हैं, तो उन्होंने जो तरतीब दी उसमें भी उन्होंने उन नज़मों का हवाला दिया जो इकबाल ने रद्द कर दी थी। अब मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आखिर इकबाल ने अपनी नज़में क्यों रद्द की, एक सवाल ये पैदा होता है ना भाई आखिर रद्द कर अपना ही कलाम क्यों रद्द करता है आदमी, एक मानवीय औलाद है ना शायरी, जो शायर के लिए तो मानवीय औलाद की तरह है, तो उसको रद्द इकबाल ने क्यों किया। तो तीन बुनियादों, अज़ीज़ अहमद की तहकीक के मुताबिक तीन बुनियादों पर इकबाल ने अपना कलाम रद्द किया है। क्या है वो तीन बुनियादें? पहली बात ये कि ऐसी नज़में जहाँ मजहब या मिल्ली तसव्वुर से बराह रास्त
तजाद पैदा होता है। कुछ ऐसी नज़में इकबाल ने कही हैं जो बाद में वो उस तखय्युल उस तस्वुर या उस मिजाज से वो बिल्कुल बेगान अलग हो गए थे। जैसे नया शिवाला नज़्म एक है तो या वतन को एक दर्जा देना, ये सारी चीज़ें जो थी ना बाद में इकबाल उससे अलग हो गए, वो नज़रिया उनका बदल गया था। तो ऐसी नज़में जो मिल्लत से मिली तकाज़ों से टकराती थी उनको रद्द, वो ऐसी नज़में रद्द कर दी। मगर नया शिवाला क्यों रद्द नहीं कर रही, एक सवाल ये भी पैदा होता है। बांग दरा में तो नया शिवाला मौजूद है, ये इत्तेफाक से रह गई होगी, वरना नया शिवाला वाला अकीदा इकबाल का नहीं रहा बाद में, क्योंकि इकबाल ने बाद में जो तसव्वुर दिया वो अलग ही है, कौमी तसव्वुर, मिल्लत का तसव्वुर। एक पहली बात। दूसरी बात रद्द करने का दूसरा सबब, ज़बान व बयान की दुरुस्ती की खातिर बाज़ नज़में खारिज कर दी। अल्लामा इकबाल चूँकि पंजाब के थे तो ये जो लखनऊ और दिल्ली के जो ज़िम्मेदारान हैं जो अपने आप को अहले ज़बान समझते थे, भाई हम ही सब कुछ हैं, हम ही जानते हैं, ज़बान तो हम जानते हैं, पंजाबी आदमी क्या जानेगा। जैसे आज भी जो है दक्कन के लोगों को बोलते हैं ये तो दखनी बच्चे हैं, इनको क्या मालूम ज़बान, ज़बान तो हम अहले ज़बान हैं, लखनऊ और दिल्ली वाले हैं, हम जानते हैं ज़बान। तो ये जो तसव्वुर है ज़बान दानी का दावा करने वाले इकबाल को भी नहीं बख्शते थे भाई, इकबाल से भी इकबाल के कलाम में एतराज़ किया कि भाई ये लफ्ज़ इन्होंने गलत इस्तेमाल किया, ये ऐसा इस्तेमाल। मगर इकबाल अपने फ़न के पक्के थे, उन्होंने जिन लोगों ने भी एतराज़ किया उसका जवाब मुदल्लल दिया, असातिज़ा के अशार पेश किए, उर्दू के दिए, फारसी के दिए, देखे बताया मैंने जो इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल सही है। अब जाहिर है जब एतराज़ किया गया तो इकबाल ने कहा चलो ठीक है इसमें और इस्लाह कर लेते हैं, कुछ अच्छा कर लेते हैं। तो बाद मिसरे इकबाल ने उस बुनियाद पर भी बदल दिए, बदल के बेहतर से बेहतर कर लिया। तो देखिए तनकीद करने वाले से एक भलाई होता अपना, तनकीद करने वाला बोलता कि भाई आपका ये कॉलर सही है नहीं है, तो ठीक है भाई चलो कॉलर सही कर लो, हमारा भला ही है, आपका ये कहना बिल्कुल ये दलायल से टकराता है, अगर हम इस्लामी फिक्र में बात करें तो कुरान हदीस से टकराता है, तो बोले ठीक है भाई आप दलील पेश कर दीजिए। तो कुरान की आयत अगर कोई पेश करता है, हदीस पेश करता है, तो हमारी इस्लाह हो जाती है ना भाई, तो हमारे लिए हमारा दुश्मन, हमारा नाकिद, हमारा नुकता चीनी करने वाला हमारा मोहसिन है, तो हम उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसी तरह इकबाल ने भी अपने नुकता चीनों से फ़ायदा उठाया, बुरा नहीं माना। एक साहब थे जोश मलसियानी, हालांकि वो इकबाल के पीर भाई थे, पीर भाई ख्वाजा ताश जिसको कहते हैं, यानी जोश मलसियानी और अल्लामा इकबाल दोनों भी दाग के शागिर्द, दाग दहलवी जो थे उन्हीं के शागिर्द जोश मलसियानी भी थे, इकबाल भी थे। मगर जोश मलसियानी आप क्या जानते हैं, आप एक शेर कोई नहीं जानता, बल्कि आप क्या मुझे कोई शेर याद नहीं है, बल्कि किसी को याद नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से किसी को कोई शेर। अल्लामा इकबाल की नज़मों की नज़में, गज़लों की गज़लें याद हैं लोगों को, हर कसम ना कसम बहुत सारे लोगों को याद हैं, बच्चों को तो याद है कि लप्पे आती है, ये तो बच्चे पढ़ते ही रहते। तो ऐसी चीज़ें, तो जोश मलसियानी ने भी बड़ी तनकीद की थी इकबाल की खामियाँ, एक बुरी किताब लिखी, मगर उनको हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अपने नाम से छपाएं, तो एक जर्राह के नाम से, जर्राह वो तो जराहत करने वाला, निश्तर चलाने वाला, जर्राह के नाम से किताब छापी। भाई उनके शागिर्दों ने तवज्जो दिलाई कि उस्ताद आप डर रहे क्यों, जब आपने इकबाल की खामियां दिखाई हैं आला लेना छप भाई। ये तो उनके शागिर्द थे कालिदास गुप्ता रिजा, उन्होंने वो किताब छापी इकबाल की खामियां, इस नाम से किताब छपी। उसका मुदल्लल जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया, शम्स बदायूनी ने दिया, शम्स रहमान फारूकी साहब ने दिया,
दवा दिया कि नहीं, इकबाल ने जो कहा वो ही सही है। और इकबाल के सामने जब वो किताब पेश की गई तो इकबाल ने यूँ देख के कहा ठीक है मेरे ख्वाजा ताश हैं, यूँ नज़रअंदाज कर दिया। देखिए एक इकबाल का एक रवैया ये भी है कि अगर आप किसी को रद्द करना चाहते हैं तो आसानी के साथ उस पर रिएक्शन मत दीजिए, रद्दअमल का इजहार मत कीजिए, वो चीज़ खुद ब खुद फना हो जाती। कुरान की तालीम है ये, जब जाहिल आपसे आपके मुंह आए तो क्या करना, कालू सलामा बोल के सलाम करके निकल जाओ, कुरान है। तो आप क्या, कोई अगर खामखा मुंह आता है, जिच करता है, दिख करता है, तो आप क्या करो, अच्छा भाई सलाम अलैकुम बोल के आगे बढ़ो, खत्म, वहीं दफन हो गया वो। तो ये कुरान की तालीम है जिस पर अल्लामा इकबाल ने भी अमल किया। तो ये जोश मलसानी की किताब को इकबाल ने बहुत यानी आसानी दखनी जमान में बोलते हैं बहुत ईजी लिया, उसको नज़रअंदाज कर दिया, बिल्कुल यूँ कर दिया। बहरहाल ये जो चीज़ें अदबी एतबार से मैं पेश कर रहा था, अब आइए जनाब, ज्ञानचंद जैन साहब ने इकबाल का जो इब्तदाई कलाम इकबाल बतरतीब माहो साल, इस उन्वान से उन्होंने एक किताब 1988 में शाये की। ये हमारे यहाँ हैदराबाद में अब्दुल समद खान साहब थे, उनका कुतुबखाना यहाँ फैजी बिल्डिंग में भी था, पहले फैजी बिल्डिंग थी ना, ये जो रेड रोज़ है आपका, वहाँ बिल्डिंग थी फैजी बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, अब्दुल समद खान साहब का कुतुबखाना उसमें था एक ज़माने में। फिर वहाँ से वो नूर का बाजार गया, मुख्तलिफ मुकामात पे गया। उनके पास एक मुसव्वदा निकला इकबाल की नज़मों का, गज़लों का, वो बहुत सारा कलाम निकला। तो उन्होंने ज्ञानचंद जैन यहाँ हैदराबाद में प्रोफेसर थे उस ज़माने में, उससे कहा कि भाई ये मेरे पास बहुत सारा ज़खीरा निकला है, तो ज़रा आप इसको तरतीब दीजिए। तो ज्ञानचंद जैन के लिए तो बहुत बड़ा कारनामा हो गया ये। तो उन्होंने तरतीब माहो साल के हिसाब से बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको तरतीब दिया, दे के एक बाज़ाब्ता किताब आई इकबाल कलाम इकबाल बतरतीब माहो साल 1988 में यहाँ हैदराबाद से शाये हुआ। तो उसमें भी ज्ञानचंद जैन ने बहुत सारी ऐसी नज़में शामिल की जो इकबाल ने रद्द कर दी थी, रद्द करदा बहुत सारी नज़में उसमें मिली। तो वो इन्होंने क्योंकि तरतीब माहो साल के हिसाब से वो जमा किया, लेकिन वो रद्द करदा कलाम भी जो गैर मुतदावल है, जो मुतदावल मजमुओं में नहीं है, उसको भी शामिल रखा। इसी तरह एक तो बाक़ियात शेर इकबाल जिसमें वो प्रोफेसर साबिर कलोरवी साहब ने भी गैर मुतदावल कलाम शामिल किया, ये ज्ञानचंद जैन ने भी किया। ज्ञानचंद जैन की किताब आई 1988 में, और प्रोफेसर साबिर कलोरवी का मजमुआ जो हमारे यहाँ इंडिया में छपा 2005 में, बाक़ियात शेर इकबाल। मैं यहाँ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, हैदराबाद का आदमी होने की वजह से हमारे प्रोफेसर अजीज़ अहमद ने सबसे पहले ऐसी नज़में ढूंढ निकाली जो इकबाल ने रद्द कर दी थी। तो उनका जिक्र ना ज्ञानचंद जैन करते हैं, ना ये अजीज़ अहमद करते हैं, वो साबिर कलोरवी करते हैं, ना साबिर कलोरवी करते हैं, ना अजीज़ अहमद करते हैं। हालांकि अजीज़ अहमद की किताब कब आई, 1947 में आई, इकबाल नई तश्कील, इन लोगों की किताब से बहुत तकरीबन 50 साल पहले, कुछ ज़्यादा ही। तो अजीज़ अहमद का कारनामा सबसे पहले है कि वो इकबाल की 12 नज़में एक शायर के हिसाब से जो लिखी गई थी, या और भी जो रद्दकरदा कलाम है, वो सबसे पहले तो अजीज़ अहमद ने ढूंढ निकाला था। लेकिन अजीज़ अहमद की, क्या अजीज़ अहमद की किताब ज्ञानचंद जैन की नज़र से नहीं गुजरी होगी, क्या साबिर कलोरवी की नज़र से नहीं गुजरेगी, जबकि 2005 में उनकी किताब आ रही है और ज्ञानचंद जैन की 1988 में आ रही। तो ये सब जो है नज़रअंदाज करने के काम भी होते हैं, तो ये उससे क्या फ़र्क पड़ता। जो जानने वाले हैं, जो मुहक्किक हैं, जो तहकीक करने वाले हैं, वो तो ढूंढ निकालेंगे ना। तो वो ये इस तरह जो है मालूम होता है कि एक अव्वलियत का सेहरा किसके सर बांधा जा सकता है। ये है अजीज़ अहमद है सबसे पहले।
अच्छा आइए अजी, मैं चूँकि साबिर कलोरी भी मेरा मौजू है, इस वजह से साबिर कलोरी के ताल्लुक से मैं ज़्यादा बात करूँगा कि साबिर कलोरी ने इकबाल की ये जो नज़में तलाश कर रहे थे वो, तो उन्हें कुछ ऐसे अशार भी मिले जो इकबाल की इब्तदाई फ़िक्र के गम्माज थे। जैसे एक शेर मैं अर्ज़ करता हूँ, हमेशा विरद ज़बाँ है अली का नाम इकबाल, हमेशा विरद ज़बाँ है अली का नाम इकबाल, के प्यास रूह की बुझती है इस नगीने से। तो ये जो है अल्लामा शियत है, इसमें अल्लामा इकबाल के जो उस्ताद थे मीर हसन शिया थे, तो वो शिया उस्ताद के ज़ेर तरबियत उनकी इब्तदाई ज़िंदगी गुजरी है। फ़ारसी के बहुत मशहूर आलिम थे वो, तो इकबाल की जितनी फ़ारसी दानी है वो उसके पीछे वो मीर हसन का हाथ है। मीर हसन की तरबियत के नतीजे में इकबाल फ़ारसी के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े शायर बन सके। तो वो ज़बान के साथ साथ अकीदा भी शियत थोड़ी आ गई इकबाल के पास, है ना भाई। क्या है वो उस्ताद का कुछ ना कुछ रंग इख्तियार कर ही लेता है शागिर्द। तो ये जो शेर है कि हमेशा विरद ज़बाँ रख अली का नाम इकबाल, के प्यास रूह की बुझती है इस नगीने से, अगर ये नगीना हीरा है और अगर हीरा चाट ले तो आदमी का क्या हशर होता। तो ये अकीदत एक अलग चीज़ है। बाद में इकबाल ने ये शेर निकाल दिया, इकबाल ने नहीं रखा, आपने किसी मजमू में शामिल नहीं है, लेकिन साबिर कलोरी की तहकीक में ये शेर आया और एक जगह आया। एक शेर इकबाल का है, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनहगार बू तुराबी है, ये गुनहगार बू तुराबी है। अबू तुराब जो है हज़रत अली की कुनियत थी ना अबू तुराब। ये अबू तुराब क्यों पढ़ा, ये इस पर मैं बात करूँगा तो शायद खल जाए, इस बातें छोड़िए। अबू तुराब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था हमको अबू तुराब, ये कुछ रुस के यानी रूठ के हज़रत फ़ातिमा से कुछ रूठ गए थे, ये जो है रूठ के जाके वो एक जगह लेट गए थे, तो मिट्टी पे लेट गए थे तो उनके बदन को मिट्टी लग गई थी, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उठो बू तुराब, तो आपने बू तुराब उनसे कहा उनके लिए, तो वो बू तुराब एक लक़ब बन गया, एक कुनियत बन गई। तो वो इस तरह इशारा इकबाल का कि पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार बू तुराबी है, बू तुराबी यानी अली का चाहने वाला है। चलिए और एक, ये तो शियत के बारे में, और एक चीज़ आई है कि इकबाल का एक शेर है कि लोग कहते हैं मुझे राग को छोड़ो इकबाल, लोग कहते हैं मुझे राग को छोड़ो इकबाल, राग है दीन मेरा, राग है ईमान मेरा, इकबाल का शेर है ये। अरे पहले बहुत कुछ कहता ना शायर भाई, इब्तदाई दौर की लड़खड़ाहटें बहुत कुछ होती हैं, हर शायर के पास होती हैं, इकबाल के पास भी हैं। तो ये किस्म की लड़खड़ाहट है कि राग को दीन समझ रहे हैं, राग को ईमान समझ रहे हैं, ये जो है ना, ये ज़ाहिर है इकबाल को जब महसूस हुआ कि ये बेकार बात है तो उन्होंने कहा ये छोड़ो, तो उसको अपने किसी मजमू में शामिल नहीं किया। देखिए राग, राग राग नहीं मुसीकी, ये फितरी लगाव होता है आदमी को, आदमी को फितरी लगाव होता है मुसीकी से, राग से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी मुसीकी पसंद करते थे, मुफस्सिर कुरान मुतरजिम कुरान भी तो थे, हालांकि आपके मज़हब में शरीयत के हिसाब से तो राग रागनी मजामीर ममनू है ना, हराम है, लेकिन भाई चाहने वाले तो महफिल समा भी रखते हैं ना, तो वो एक अकीदत का इजहार है, बाज़ लोगों को पसंद आता है तो उस पर कारबंद भी रहते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, शरीयत ने ये जो इंसानी फितरत में मूसीकियत होती है, एक किस्म का गनाइत होती है, तो इसके लिए आपको एक तरीक़ा दिया गया, आप अल्लाह का कलाम पढ़िए, बड़ी किरत से पढ़िए, तजवीद के साथ पढ़िए,
क़िरत और तिलावत का हक अदा कीजिए, कितना मज़ा आता। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जब कारी पढ़ता है तो रोंगटे खड़े हो जाते। तो अल्लाह ताला ने इंसानों की फितरत के मुताबिक उसको एक लहन अता किया, अब उसका इस्तेमाल कीजिए। उस अभी लहन दाऊदी ज़बूर, दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बूर में क्या था, ये गनाइयत थी तो थी, थे बड़े अच्छे अच्छे गीत थे उनके, चरिंद परिंद पहाड़ सब झूमने लगते थे जब आप पढ़ते थे। तो गनाइयत इंसान की फितरत में है ज़रूर, लेकिन ईमान राग ईमान नहीं है। आपकी फितरत के तकाजे के तौर पे आपको कहा गया कि इसका ये तरीक़ा निकाल लो, अच्छे गनाइयत के साथ तरीक़त के किरत करो, तिलावत पढ़ो, तिलावत करो। उसी तरह देखिए ये तस्वीर उतारना, तस्वीरें वगैरह उतारने हैं, आदमी बहुत खुश होता, तस्वीर अपनी तस्वीर किसको पसंद नहीं आती है, और दूसरे की तस्वीर किसको पसंद नहीं, बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर उतारने के लिए आपको बड़ा ज़ौक़ आपका। फ़नून लतीफ़ा में एक चीज़ मुजस्मा साजी और तस्वीर वगैरह, तस्वीर कशी वगैरह भी है। ये इस्लाम ने क्या किया, आप उसने कहा कि भाई आप खत्ताती नक्श निगारी इमारत पे नक्श करो, बड़े बड़े आप जब कुतुब मीनार देखिए आप नीचे से ऊपर तक पूरी आयत दर्ज है, कैसी फनकारी है लोगों की। तो अपने फ़न का मुजाहरा करने के लिए अल्लाह ने एक नया तरीक़ा दिया, नक्श निगारी करो, खत्ताती करो, ये करो। तो इंसानी फितरत के तकाजे के मुताबिक अल्लाह ताला उसको एक नया अंदाज देता है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप जो मुरव्वज तरीक़ा उसको इस्तेमाल करो। चलिए ये तो हो गया, अब आइए जनाब, ये तो मैं अदबी तौर पे जो चीज़ें थी वो बयान कर, अब आइए कुछ चीज़ें ऐसी बयान करते हैं जो हाँ ये इकबाल ने तसव्वुफ के ख़िलाफ़ एक पूरी किताब तरतीब दी थी तसव्वुफ के ख़िलाफ़। तो ये तसव्वुफ के ख़िलाफ़ क्यों तरतीब दी, असरार खुदी जो अल्लामा इकबाल की किताब 1917 में 15 में उसके बुनियाद पड़ गई थी, 1516 तक वो लिखते रहे थे, वो छप रहे भी थे, 1917 में किताब आई। तो इकबाल ने जब वो किताब असरार खुदी मंजर आम पर आई तो उसमें हाफिज़ के ख़िलाफ़ और अफलातून के ख़िलाफ़ उन्होंने दो ज़बरदस्त उसके ख़िलाफ़ लिखा। 1900 अच्छा है, ये तसव्वुफ़ के ख़िलाफ़ एक पूरे मज़ामीन तरतीब दे रहे थे, इधर से उधर से मवाद तरतीब दे रहे थे। तारीख़ तसव्वुफ़ के नाम से किताब शाये करने का इरादा था। 1916 तक ये पूरे 1915 और 1916 में ये किताब पूरी तरतीब दी जा चुकी थी, लेकिन शाये नहीं हुई, गैर मतबूआ रही। तो ये तारीख़ तसव्वुफ़ के बारे में इकबाल ने एक ख़त, 1916 का ख़त है, 13 फरवरी 1900 इकबाल का ख़त है, 1916 में इकबाल नियाज़ुद्दीन ख़ान नाम एक साहब है, ये उनका मजमू है, खतूत के मजमू इकबाल के देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको। तो उसमें इकबाल लिखते हैं उनको, तसव्वुफ़ की तारीख़ लिख रहा हूँ, दो बाप लिख चुका हूँ, यानि मंसूर हल्लाज तक 5-4 बाप और होंगे, 5-4 बाप इकबाल ने लिखा, लेकिन महावरे के ख़िलाफ़ है, 4-5 बाप लिखना चाहिए था, 5-4 बाप नहीं बोलते, 5-4 बाप क्या बात, 4-5 महावरे के ख़िलाफ़ चाहे कोई लिखे। तो इसके साथ ही अल्लामा इब्ने जौज़ी की किताब का वो हिस्सा भी मैं शाये कर दूँगा जो उन्होंने तसव्वुफ़ पर लिखा है। उनकी हर बात मेरे नज़दीक काबिल तस्लीम नहीं, मगर इससे मतना ज़रूर मालूम होगा कि उलमाए मुहद्दिसीन इसकी नस्बत क्या ख्याल रखते हैं। ये इकबाल ने एक ख़त में लिखा, यहाँ वो इब्ने जौज़ी की किताब का जो हवाला इकबाल ने दिया मैं शाये करूँगा, वो असल में तलबीस इबलीस जो इब्ने जौज़ी की किताब है उसका कुछ हिस्सा भी शाये करने का इरादा इकबाल का था। ये एक और ख़त 14 जुलाई 1916, ये भी 1916 का ख़त है, इसमें भी इकबाल फसीउल्लाह काज़मी को लिखते हैं कि तसव्वुफ़ के मुतालिक मैं ख़ुद लिख रहा हूँ, मेरे नज़दीक हाफिज़ की शायरी ने बिलखसूस और अजमी शायरी ने बिलउमूम मुसलमानों की सीरत और आम ज़िंदगी पर नहायत मज़मूम असर डाला है, यानी ख़राब असर दिया, इसी वास्ते मैंने उनके ख़िलाफ़ लिखा ये लिखा, और मुझे उम्मीद है कि मेरी लोग मुखालिफत करेंगे और गालियाँ देंगे,
लेकिन मैं मेरा ईमान गवारा नहीं करता कि मैं हक बात ना कहूँ। शायरी मेरे लिए जरिया माश नहीं, मैं लोगों के इतराज से डरूँ। ये इकबाल ने कहा कि मैं क्या डरता हूँ लोगों के। लेकिन इसके बावजूद इकबाल ये इन्होंने शायर नहीं की अपनी किताब। अच्छा, हाफिज़ के बारे में इकबाल के ख्यालात पहले पहले जो थे ना, 34 अशार हाफिज़ के ख़िलाफ़ लिखे जो असरार क़दीम में मौजूद इब्तदाई पहला जो उसका एडिशन है उसमें शामिल थे। बाद में इकबाल ने वो 34 अशार निकाल दिए क्योंकि हसन निज़ामी पीछे पड़ गए थे उनके। ख्वाजा हसन निज़ामी साहब जो थे इकबाल के ख़िलाफ़ बड़ी मुहिम चलाई उन्होंने अपनी किताब में, अपने रिसाले में, तो इकबाल को वो अशार निकाल देना पड़ा। तो असलम जयराज, हालांकि असलम जयराजपुरी ने इकबाल की ताईद में एक ख़त लिखा 1919 में कि मैंने एक तारीख़ तसव्वुफ़ की, इसके बाद असलम जयराजपुरी के नाम एक ख़त में इकबाल उनको लिख रहे थे कि मैंने एक तारीख़ तसव्वुफ़ की लिखनी शुरू की थी मगर अफसोस के मसाला ना मिल सका। ये देखिए आप, मसाला ना मिल सका, हालांकि मसाला जमा किया था इकबाल ने, लेकिन असलम जयराजपुरी को लिख रहे कि मसाला नहीं मिल सका पूरी तरह, इस वास्ते दो एक बाब लिख के रोक देना पड़ा। प्रोफेसर निकलसन इस्लामी शायरी और तसव्वुफ़ के नाम से एक किताब लिख रहे हैं जो अनकरीब शाये होगी, मुमकिन है ये किताब एक हद तक वही काम करे जो मैं करना चाहता हूँ। तो इस तरह इकबाल अपने आप को रोक लिया उन्होंने और वो किताब शाये नहीं हुई। साबिर कलोरवी ने 1983 में अपने पीएचडी के मकाले बाक़ियात शेर इकबाल के मवाद के सिलसिले में जो तहकीक करने गए थे वो, तो उसमें वो तारीख़ तसव्वुफ़ के जो नोट्स इकबाल ने जमा किए थे वो सारे इनको मिल गए। तो इन्होंने क्या किया, साबिर कलोरवी ने ये किया कि वो सारे नोट्स तारीख़ तसव्वुफ़ के नाम से छपवा दिए, पाकिस्तान में भी छपवाए और यहाँ मकतब अल हसनात से 1985 में वो किताब शाये हुई, वो आपको कहीं भी मिल जाती, मेरे पास भी है, वो उसी हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। तो इस मारगा आरा किताब का इंतसाब उन्होंने अपने उस्ताद अय्यूब साबिर, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया अय्यूब साबिर उनके उस्ताद थे, माहरीन इकबालियात अय्यूब साबिर, सैयद कासिम महमूद और डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी के नाम किया। अल्लामा इकबाल के फर्जंद अर्जुमन डॉक्टर जावेद इकबाल ने भी उनकी बड़ी ताहिद की कि भैया आपने बड़ा अच्छा कारनामा किया, ये मेरी नज़र से गुजर चुके हैं ये नोट्स, ये लेकिन शाये नहीं हुए, आपने शाये किया ये बहुत अच्छा किया, इसकी तारीफ़ की। इकबाल ख्वाजा हसन निज़ामी चूँकि पेशपेश से तारीख़ तसव्वुफ़ के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे थे, तो हालाँकि अल्लामा इकबाल ने कहा कि इसके तसव्वुफ़ के बारे में इकबाल कहते थे कि ये सरजमीन इस्लाम में अजनबी पौधा है, सरजमीन इस्लाम में अजनबी पौधा है तसव्वुफ़, ये इकबाल ने बाज़ाब्ता कहा है। और असलम जयराजपुरी ने इकबाल की ताईद करते हुए कहा कि हाफिज़ के मुतालिक ऐसी आरा का इजहार पहले भी होता रहा है, यानी इकबाल ने जो 34 अशार लिखे थे हाफिज़ के, हाफिज़ शिराजी के ख़िलाफ़, तो असलम जयराजपुरी ने इकबाल की ताईद करते हुए कहा कि इकबाल हाफिज़ के ख़िलाफ़ ऐसी राय का इजहार पहले भी होता रहा है, बल्कि कुछ लोगों ने तो उनकी नमाज़ जनाजा तक नहीं पढ़ी हाफिज़ की। औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में तो हाफिज़ का कलाम, हाफिज़ का दीवान ममनू था, उसके सल्तनत के हदूद में पढ़ा नहीं जा सकता था, वो ममनू कर दिया था औरंगज़ेब आलमगीर ने, हदगन लगा दी थी। जहाँ तक अब असलम जयराजपुरी ने लिखा ये ख़त में, और जहाँ तक तसव्वुफ़ का, ये भी असलम जयराजपुरी का ख़त है कि जहाँ तक तसव्वुफ़ का ताल्लुक़ है, कुरान और हदीस इस लफ्ज़ से ना आशना है, कुरान और हदीस इस लफ्ज़ से ना आशना है। ये दूसरी सदी हिजरी में अरबी ज़बान में दाखिल हुआ, दूसरी सदी हिजरी में ये तसव्वुफ़ का लफ्ज़ अरबी ज़बान में दाखिल हुआ। ऐसी सूरत में इस्लाम का आयन तसव्वुफ़ होना या तसव्वुफ़ का आयन इस्लाम होना क्यों कर कबूल किया जा सकता है,
ये असलम जयराजपुरी का खत। अच्छा, और एक साबिर कलोरवी का एक कारनामा तो ये है कि अल्लामा इकबाल के मुरतबा जो नोट्स थे उसको किताबी शक्ल में दे दी। और एक है साबिर कलोरवी का एक कारनामा ये भी है कि उन्होंने अबुल मुगीस हुसैन बिन मंसूर हल्लाज की किताब किताबुत तवासीन, जो मंसूर हल्लाज की किताब है, उसके तमाम अबवाब अरबी से तर्जुमा करके खुलासा पेश किया। साबिर कलोरवी की अरबी भी बहुत अच्छी थी, फारसी बहुत अच्छी थी। तो जो मंसूर हल्लाज की किताब अरबी में है किताबुत तवासीन, उसका पूरा तर्जुमा करके साबिर कलोरवी साहब ने पेश कर दिया। वो तारीख़ तसव्वुफ में मौजूद है, वो पूरे तवासीन का एक एक चैप्टर एक एक बाब का तर्जुमा किया साबिर कलोरवी ने। वो आप किताब देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। इकबाल ने हल्लाज के ख्यालात को बखली फारसी दा था एक, जो उसके फारसी तर्जुमे से समझने की कोशिश की। और फिर आखिर लुई मैसिनून जो फ्रांसीसी था, उसको उसने किताबु तवासीन का खत्ती नुस्खा ढूंढ निकाला जो 1913 में शाये होकर इल्मी दुनिया के सामने आया 1913 में। तो अल्लामा इकबाल ने जो ही उसकी इशात की खबर अल्लामा इकबाल को पहुंची, तो उन्होंने यूरोप में मुकीम अपने अहबाब के ज़रिए फिल फौर उसका एक नुस्खा मंगा लिया। इकबाल को मंसूर हल्लाज से बड़ी अकीदत थी ना, तो उन्होंने फौरी उसका एक नुस्खा मंगवाया कि भाई देखो वो जो किताबु तवासीन का नुस्खा लुई मैसूनी ने जो शाये किया वो मुझे लाओ पहुंचा दो। तो वो हुआ। और इस तरह जो है लुई मैसूनी से मिलने के लिए भी गए थे इकबाल पेरिस। जब गए तो ख़ास तौर पर मिलने के लिए वहाँ भी उससे मिलने गए। ये 922 ईस्वी में वो किताब 922 की है। 1000 साल के बाद जब वो छपी तो 1913 में छपी, उसके बाद 1922 में अल्लामा इकबाल ने वो उससे मुलाकात की और वो किताबु तवासीन के सिलसिले में वो उसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए। सागर कलोरवी ने मंसूर हल्लाज की किताबु तवासीन का अरबी से उर्दू में तर्जुमा करके तलखीस पेश की, जिसमें सूफियाना मुशिगाफियाँ हैं, उसके अकायद मुतनाज़ फ़ी हैं। इस अच्छा, अब देखिए अल्लामा इकबाल ने जो नोट्स जमा किए थे ना, वो उस नोट्स उन नोट्स में बड़ी अजीब व गरीब बातें थी। इकबाल को वो पसंद नहीं आती थी, तसव्वुफ के ख़िलाफ़ पहले नोट्स जमा कर रहे थे ना इकबाल, तो वो जो बातें इकबाल ने कहा कि ये क्या है ये सूफिया के अकायद, तो वो जमा जो किया तो उसमें जो है चंद बातें जो साबिर कलोरवी ने अपनी किताब में नोट की हैं वो मैं पेश कर रहा हूँ। अल्लामा इकबाल के नोट्स के मुताबिक, वो साबिर कलोरवी की तहकीक के मुताबिक बात सूफिया के ख्यालात है, वो हवाले भी दे दिए हैं किताब के। जैसे पहला एक है कि मुद्दत तक मैं खाने काबा का तवाफ करता रहा, लेकिन जब खुदा तक पहुंच गया तो खाने काबा खुद मेरा तवाफ करने लगा। ये बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको कहते हैं बायजीद बुस्तामी का कौल है, और ये किस में मौजूद है, बहवाले तस्करतुल औलिया सफ़ा नंबर 102 पर है ये। और किताब का हवाला भी दे दिया देखिए साबिर कलोरवी ने। और इकबाल ने इकबाल जो हवाले है इकबाल के वहाँ से ले कर साबिर कलोरवी ने हवाले दिए हैं, तो इकबाल ने वो हवाला है, इकबाल के हवाले हैं वो जो साबिर कलोरवी ने दिए। दूसरा है वफात से पहले लोगों ने अबू बकर शिबली से कलमा पढ़ने को कहा, तो जवाब दिया जब गैर का वजूद ही नहीं तो नफ़ी किसकी करूं, यानी कोई गैर है ही नहीं, ला इलाह मैं क्यों बोलूँ, बोल रहे हैं अबू बकर शिबली साहब। इसी वजह से अकीदा क्या है, ला मौजूद इल्लल्लाह, ये अकीदा है ना, तो उसकी वजह से बोलेंगे भाई कोई है ही नहीं तो मैं क्यों ला इलाह बोलूँ। बोल अच्छा, ये तो ये हवाला दिया तस्करतुल औलिया सफ़ा नंबर 390, ये इकबाल ने हवाला दिया। और राबिया बसरी ने ये शादी से इनकार कर दिया राबिया बसरी ने कि इस रस्म की एहतियात उनको हो सकती है जिनका कोई खारिजी वजूद रखते हों, मैं तो खुदा की ज़ात में कायम और बाकी हूँ, राबिया बसरी ने कहा।
ओ मुझे शादी की ज़रूरत है, शादी राबिया बसरी ने शादी नहीं की ना, तो इस बात बता रही, मैं खुदा की साथ में कायम हूँ बाकी हूँ। और एक साहब इसी तरह के मर्द साहब भी थे, अबू नसर बशर बिन अल हारिस हानी, उनसे कहा गया कि आप शादी क्यों नहीं करते, तो और सुन्नत की मुखालिफत से क्यों बाज नहीं आते, शादी करना सुन्नत है ना भाई, तो क्यों नहीं करते आप शादी, उनसे पूछा गया। तो उन्होंने कहा मुझे फ़र्ज़ की मशगूलियत से सुन्नत की फुर्सत ही नहीं है, मुझे फ़र्ज़ की मशगूलियत ने ऐसा मशगूल रखा है कि मुझे ये सुन्नत, यानी शादी करना सुन्नत है ना, तो सुन्नत की तरफ मैं माइल नहीं हो रहा हूँ। हालाँकि रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नति, और एक जगह कहा कि फमन रगीबान सुन्नति फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज करता है वो मुझसे ताल्लुक़ नहीं है उसका कुछ। तो अन निकाह मिन सुन्नत अल्लाह के रसूल का फरमान है। तो जो लोग ये अच्छा, और एक आप एक हदीस जहन में लाइए, आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के ताल्लुक, इबादत के ताल्लुक से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से तीन सहाबियों ने उनसे पूछा कि अल्लाह के रसूल की इबादत का क्या हाल है, आपसे पूछा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के हाल के बारे में उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा ने फरमाया कि आपकी इबादत का ये हाल है कि आप इतना इबादत करते थे कि पैरों पर वर्म आ जाता था। तो ये देख के जो है, ये सुन के और तीनों में से लोगों ने कहा कि भाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है तो हम तो गुनाहगार बंदे हैं, लिहाजा उसमें से एक ने कहा कि मैं हम रात भर इबादत करूँगा और शादीवादी नहीं करूँगा, दूसरे ने कहा कि मैं दिन रोज़े मुसलसल रोज़े रखा करूँगा, और तीसरे ने कहा कि मैं शादीवादी का झंझट झंझट नहीं पालूँगा, एक ने कहा कि मैं इबादत करूँगा, और दूसरे ने कहा रोज़ा भी। तो आपने उन तीनों को बुला के कहा कि भाई देखो कि मैं रोज़ा रखता भी हूँ और रोज़ा नहीं भी रखता हूँ, और इबादत करता भी हूँ और रातों को आराम भी करता हूँ, और ये और आपने ये भी फरमाया कि मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ के आप क्या बढ़ सकेंगे भाई, रसूलुल्लाह से बढ़ने की कोशिश करना ये भी एक किस्म का गुनाह है। बल्कि यहाँ तक कहा गया आपकी आवाज़ पर आवाज़ मत निकालो, आवाज़ तक आप बुलंद नहीं कर सकते आपके सामने, आप आमाल में आप उनसे ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करें, शादी नहीं करना चाह रहे, अरे आप बोले मैं तो शादी भी करता हूँ नहीं भी करता हूँ, नौ बीवियाँ हैं ना आपकी, बल्कि अगर दो को शामिल कर लिया तो 11, तो ये है। और आप रोज़ा भी रखते थे और रोज़ा नहीं भी रखते थे, आप यार हमेशा सायमुद्दहर तो नहीं थे, हमेशा रोज़ा रहने वाले तो नहीं थे कुछ लोगों, अच्छा कुछ लोगों के बारे में यहाँ तक उड़ाया गया, यहाँ तक ये कि वो 40-40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज़ पढ़ा करते थे। एक क्या है ये असल में औलिया अल्लाह को बदनाम करने की कोशिश है भाई, अल्लाह के रसूल से बढ़ने की कोशिश कोई नहीं कर सकता, वो कैसा वली हो सकता है जो अल्लाह के रसूल से बढ़ जाने की कोशिश करें। तो ये है, तो ये सारी चीज़ें अल्लामा इकबाल ने नोट की अपनी किताब में, ये तारीख़ तसव्वुफ़ जो उन्होंने तरतीब दे रहे थे उसमें ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इकबाल ने वो शायर नहीं कर सके, वो इकबाल नहीं। अच्छा आप कुछ अशार भी देखिए, कुछ शोरा के शोरा, अब उन शोरा के बारे में यहाँ तक आया ना कि भाई बड़े गुमराह अकायद के हामिल होते हैं, इनकी पैरवी मत करो, ये कुरान कहता है, इस्तिस्नाई सूरत है ज़रूर। तो कुछ शायर हाफिज़ मजहब इश्क के तारुफ़ से हाफिज़ कहते हैं, मन हमा दम के वजू साख्तमस चश्मा इश्क, मन हमा दम के वजू साख्तमस चश्मा इश्क, चार तकबीर ज़दम यकसर अबर हर चके हस्त। चार तकबीर कहाँ पढ़ी जाती है, चार हैं हाफिज़ कह रहे हैं कि मैंने जिस वक्त चश्मा इश्क से वजू किया फिर जो कुछ मौजूद है उस पर मैंने चार तकबीरें पढ़ ली, लेकिन यानी उनका अदम वजूद उसका ऐलान यानी अदम वजूद दोनों बराबर कर दिया। तो चार तकबीरें असल नमाज जनाजा में पढ़ी जाती है ना,
चार तकबीरों के साथ। तो हाफिज़ कह रहे हैं कि मैंने जब इश्क के चश्मे से वजू कर लिया तो फिर सारी चीज़ों पे चार तकबीरें पढ़ दी। ये हाफिज़ का शेर है। और एक शेर उर्फी का शेर है कि आरिफ हम अज़ इस्लाम करीबस व हम अज़ कुफ्र, आरिफ हम अज़ इस्लाम करीबस तो हम अज़ कुफ्र, परवाना चरागे हरम ओ दैर ना दानत। यानी उर्फी कहते हैं कि इस्लाम और कुफ्र दोनों से करीब है आरिफ, और परवाना हरम और बुतखाने में कोई तमीज़ नहीं करता। ये भी है। और एक शेर है, गाह मोतकिफ़े मस्जिदों गाह साकिने दैरम, यानी के तुरा मी तलबम खाना बखाना। ये अबुल फजल का शेर है। वो कह रहा है कि मैं मस्जिद में एहतिकाफ़ करूँ कि बुतखाने में बैठूँ, मकसद ये है कि तुझी को जगह जगह तलाश करता हूँ। ये अबुल फजल का शेर। और एक शेर है, ये उनका शेर है कि मकुन ज़कीरा चू दर रफ्तनस्त उम्र अजीज़, बखुर के रोज़ा गिरफ्तन हराम दर सफरस। ये शफी असर का शेर है। वो कहते हैं कि उम्र अजीज़ गुजर रही है लिहाजा खाया पिया कर, मकुन ज़खीरा चू दर रफ्तनस्त उम्र अजीज़ बखुर के रोज़ा गिरफ्तन हराम दर सफरस। कह रहा है कि उम्र अजीज़ गुजर रही है, तो सफ़र में है, खाया पिया कर, मुसाफिर के लिए रोज़ा रखना हराम है। ये शायर का शेर है। मुसाफिर के लिए हराम नहीं है, इजाज़त है कि आप सफ़र में रोज़ा ना रखें तो बाद में उसको अदा कर लें, हराम थोड़ी है। ये शायर है ना, शायर तो ऐसे ही बोलता। और एक शेर है कि दर रोज़े क़यामत बहू के मानन ई कुशत दुश्मनस तो आँ कुशत दोस्त। ये है सनाई का शेर, सादी से मंसूब है ये शेर। तो इसमें है कि गाजी शहादत के लिए तगोदों में मसरूफ़ है, उसे खबर नहीं कि इश्क का शहीद उससे बढ़तर है, क़यामत में वो उसके बराबर कैसे होगा, वो दुश्मन का मकतूल है और ये दोस्त का। यानी शहीद के बारे में है शेर शायर का कि दर रोज़े क़यामत बहू कै मानन, दर रोज़े क़यामत बहू कै मानन ई कुशत दोस्त ही कुशत दुश्मनस तो आ कुशत दोस्त। यानी शहादत जो पाता है तो जो शहीद होता है जिहाद में वो दुश्मन का मारा हुआ होता है, और ये आम आदमी जो इंतकाल करता है तबाही मौत मरता है, तो ये तो अल्लाह ताला की दी हुई मौत है। तो वो कह रहा है शायर के भाई वो काफिर का मारा हुआ तो शहीद कहलाए, और ये अल्लाह मियाँ का मारा हुआ कैसे जो है बराबर हो सकते हैं दोनों। ये जसारत शेरी बहुत होती है इन लोगों के पास। हाँ, तो इनको छोड़। तो बहरहाल मैं आखिरी बात पे अब आता हूँ। सिराजुद्दीन पाल एक था, उसके नाम इकबाल अपने ख़त 10 जुलाई 1916 में लिखते हैं कि इन शोरा ने नहायत अजीब व गरीब। अब देखिए इकबाल का वो तारीख़ तसव्वुफ़ से ये साबिर कलूरवी ने पेश किया। सिराजुद्दीन पाल के नाम ख़त है इकबाल का, तो उसमें लिख रहे हैं कि इन शोरा ने, इकबाल लिख रहे हैं कि इन शोरा ने नहायत अजीब व गरीब और बज़ाहिर दिल फरेब तरीक़ों से शायर इस्लाम की तरदीद व तनसीख की है, और इस्लाम की हर महमूद शय को एक तरह से मज़मूम बयान किया है। यानी अच्छी चीज़ को ख़राब बयान कर, ख़राब तरीके से ख़राब बता के पेश करें। तो जैसे हकीम सिनाई इफ़लास को आला दर्जे की सआदत समझता है, हकीम सिनाई जो थे वो एक शेर में कहते हैं कि इफ़लास बहुत अच्छी चीज़ है और तमंगरी अच्छी चीज़ नहीं है। ये हकीम सिनाई का कोई शेर है। अब ये इस पर एक आप इतला अर्ज है, अमजद हैदराबादी का एक शेर है कि हर चीज़ का खोना भी बड़ी दौलत है, बेफिक्री से सोना भी बड़ी दौलत है, इफ़लास ने सख्त मौत आसान कर दी, दौलत का ना होना भी बड़ी दौलत है। बताए कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए शेर कितना अच्छा शेर है। तो इफ़लास ने सख्त मौत आसान कर दी, दौलत का ना होना भी बड़ी दौलत है। तो ये इफ़लास की ताईद कर रहे हैं अमजद हैदराबादी, ये सूफियाना अकीदा था ना उनका भी। तो देखिए इफ़लास के, फ़कीरी एक अलग चीज़ है, इफ़लास एक अलग चीज़ है। इफ़लास जी, तो वो
दौलत का ना होना भी बड़ी दौलत है। अरे दौलत तो बहुत बड़ी नेमत है भाई, आपको ज़कात फ़र्ज़ है ना आप पे, आपके पास दौलत नहीं है तो ज़कात का एक एक बहुत बड़ा एक आपका रुकन है, नमाज हज ज़कात भी तो एक रुकन है ना आपकी आपके इस्लाम का। तो जब दौलत का ना होना भी बड़ी दौलत है, नहीं दौलत का ना होना एक बड़ी बुरी बात है। और अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो आपको एक ज़कात का मौका भी है, आपको नेकियों में सबकत करने का एक चांस है। बहरहाल ये सारी चीज़ें थी, इकबाल ये सारी चीज़ें बयान करते हुए कह रहे हैं कि भाई अजीब व गरीब लोग हैं, फ़ारसी में भी हैं उर्दू में भी हैं, तो ये इन लोगों ने शायर इस्लाम के ख़िलाफ़ एक अजीब व गरीब शेर में नसर में बयान किया इन लोगों ने। ये इससे इसके ख़िलाफ़ मैं लिख रहा हूँ, इस उन्होंने पूरी किताब एक तरतीब दी थी तारीख़ तसव्वुफ़, लेकिन शाये करने की हिम्मत इकबाल में नहीं हो सकी। एक मुसीबत थी भाई, पूरे जितने भी सूफियाना अकायद के लोग हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं, अब कहाँ मुसीबत मोल लेंगे, अब इस बातें उन्होंने कहा कि भाई छोड़ो इसको। मगर साबिर कलोरवी ने उस किताब को तरतीब दे के शाये कर दिया कि इकबाल के सोचने का अंदाज़ ये भी था। अगरचे के बताइए मैं यहाँ एक बात बता, अगरचे के इकबाल ने बाद में तसव्वुफ़ के ख़िलाफ़ बज़ाहिर पहले तो लिखा, लेकिन बाद में ख़ुद तसव्वुफ़ में बड़ी दिलचस्पी दिखाई उन्होंने, हल्लाज के ख़िलाफ़ पहले लिखा, हाफिज़ के ख़िलाफ़ लिखा, फिर बाद में अतिया फैजी को ख़त लिखते हैं कि मैं ख़ुद हाफिज़ की रूह मुझ में हलूल कर जाती है, मैं हाफिज़ बन जाता हूँ। ये इस किस्म की बातें, और फिर हल्लाज से अकीदत और वो बाज़ाब्ता जो मुश्तरी है ना उसमें जावेदनामे में, उसमें बाज़ाब्ता हल्लाज से उनकी मुलाकात होती है, हल्लाज की बड़ी तारीफ़ करते हैं, गालिब की तारीफ़ करते हैं, कुरतुल्लाह ताहिरा की तारीफ़ करते हैं, बस जिनसे आपको अकीदत नहीं है। तो वो तो बाद में उन्होंने कुछ तसव्वुफ़ के बारे में कुछ नरम गोशा इख्तियार किया अल्लामा इकबाल। बहरहाल हर एक को इख्तियार है, अल्लाह जो कुछ भी सोचे, बाद में उसमें का कभी बेशी हो सकती। बहरहाल व आखिर दावाना वन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलो ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर। चलो अच्छा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बिस्मिल्लाह। कुछ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं ना, तो हाँ हाँ ठीक है, टाइम भी हुआ।